अयोध्या में रामनगर पुलिस चौकी के सामने परिक्रमा मार्ग खोजनपुर स्थित बायोवेदा क्लिनिक एवं पंचकर्म सेंटर में निशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। बायोवेदा क्लिनिक पंचकर्म सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर संजीव सिंह के नेतृत्व में निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से प्रारंभ किया गया। ये स्वास्थ्य शिविर 5 बजे तक चला, जिसमें कई 100 मरीजों का इलाज किया गया व उनको चिकित्सा पद्धति दी गई। डॉक्टर संजीव सिंह ने बताया कि मेरी बेसिक एजुकेशन पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान हरिद्वार से है। इस निशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का मेन उद्देश्य रीढ़ की हड्डी, गर्दन में व घुटनों में व जो दर्द की समस्याएं आती हैं, उन मरीजों के लिए ये निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। जिन मरीजों को गर्दन या कमर की हड्डी में दर्द होने पर मरीज न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल पर आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजीव, मेरी जो बेसिक एजुकेशन है पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान से है, हरिद्वार से। ये जो कैंप है आज का, ये बेसिकली हमने रीढ़ की हड्डी में जो समस्याएं आती हैं, घुटनों में जो समस्याएं आती हैं, गर्दन में जो समस्याएं आती हैं, उनके लिए हमने रखा हुआ है, निःशुल्क चिकित्सा रखा हुआ है। इसमें जैसे गर्दन में या कमर में दर्द होता है तो उस कंडीशन में पेशेंट सीधे न्यूरो सर्जन के पास भागता है कि ये न्यूरो की समस्या है, न्यूरो की समस्या जैसे झंझनाहट है, सुनपन है, तो इन सारी समस्याओं के लिए जाता है। इसमें हम लोग नेचुरली इसको ट्रीट करते हैं, किसी भी तरह के मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है इसमें, क्योंकि मेरे पास जो पेशेंट है वो पिछले कई सालों से भटकता हुआ आता है कि न्यूरो को दिखाया, आर्थो को दिखाया, बहुत सारी दवाएं खाया, पेन किलर खाया, नींद की दवाएं खाया, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलता है और अल्टीमेटली लास्ट में डॉक्टर उनको सर्जरी के लिए रिकमेंड करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास में आते हैं तो हम उनको पंचकर्म के माध्यम से, और हमारी एक विशेष पद्धति है चिकित्सा पद्धति जिसको हम कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कहते हैं, तो उसके माध्यम से हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं और बिना सर्जरी के, बिना किसी तरह की नींद की दवाएं खाए हुए, बिना किसी दर्द की दवाएं खाए हुए पेशेंट अपने आप को मेंटेन करके रखता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।